हेलो व्यूवर्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और आप देख रहे हैं टू साइड तो टू साइड में आपको जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ हम देने वाले हैं वो रिलेटेड है मौसम से जी हाँ बिल्कुल आपने ठीक सुना है मौसम से रिलेटेड न्यूज़ है अगर आप प्लान बना रहे हैं शुमाली इलाका जात में जाने का तो आप अपना फ़ैसला इसी टाइम मनसूख कर दें क्योंकि बर्फ़बारी का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है अभी हम आपको बताते चले कि आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्दिस्तान और इसके मुख्तलिफ़ शहरों में वक्फ़े वक्फे से बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो जारी है और काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी इस वक़्त तक पड़ चुकी है और रास्ते भी जो हैं वो अभी तक बिल्कुल ओपन नहीं हुए अभी वहाँ पर आमदोरफ़्त का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है बर्फ़बारी के बाद इस बाबूसर टॉप नारान आ, और नेशनल हाईवे आरजी आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है यानी कि यहाँ पे अभी जो सियाहों का जाने का सिलसिला था वो बिल्कुल बंद हो चुका है इसकी वजह से बाबूसर टॉप और नारान के दरमियान जो ज़मीनी रास्ता है वो भी मुनक़ा हो गया है अगर बर्फ़बारी एक या दो दिन तक नहीं रुकती तो डेफिनेटली वहाँ पर जो फंसे हुए लोग हैं उनको हेलीकॉप्टर के थ्रू रेस्क्यू भी किया जाएगा उधर अगर हम बात करते हैं इस कर्दू शहर की तो करदू शहर में भी गिरदोनुमा में बारिश जारी है जबकि दवाई मैदान को सियाहों की आमदोरफ़्त के लिए भी बंद कर दिया गया है तो पाकिस्तान के शहर लाहौर कराची इस्लामाबाद गुजरा वाला यहाँ पर भी सर्दी की शिद्दत में अब इजाफा होने वाला है तो आप भी अपना जो है गर्म कपड़े निकाल लें क्योंकि सर्दी आ गई है और आपको बताते चलें कि अठारह अक्टूबर को जो महमे मौसमियात हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि लाहौर के अंदर भी बारिश हो सकती है मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज